दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यानी कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हैं और उसमें क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, मिनिमम एज कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, यानी कि पूरा डिटेल्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर थर्ड की बात करें तो इंडियन आर्मी, इसमें हम आपको बता दें कि वो जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपका बीई या फिर बीटेक रहना चाहिए, जो कि इंडियन आर्मी एसएससी टेक्नीशियन आता है, इसका एग्जामिनेशन होता है और ये एक गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बेस्ट जॉब है, जो कि थर्ड नंबर पे मैंने रखा है इसको। इसमें क्वालिफिकेशन आपका बीई या फिर बीटेक रहना चाहिए, जो कि सीएस है, ठीक है। इसमें हम आपको बता दें कि जो सैलरी है वो आपको बहुत ही अच्छी दी जाती है, यानी कि एक तरीके से कहें तो बहुत ही अच्छा आपको जो है वो इसमें सैलरी दिया जाएगा इंडियन आर्मी में, ठीक है। और इसमें एज की बात करें तो भाई देखिए, जो इसमें एज आपका रहना चाहिए वो 20 से 27, यानी कि 20 से 27 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो बहुत ही आसानी से इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन आपका बीई या फिर बीटेक रहना अनिवार्य है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू की बात करें तो नंबर टू पे आपका आता है डीआरडीओ। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीई या फिर बीटेक रहना अनिवार्य है और इसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है। बीई या फिर बीटेक में अगर आपका 60% मार्क है तो आप बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की बात करें तो एज आपका 18 to 28 ईयर, यानी कि 18 से 28 के बीच में अगर जो भी कैंडिडेट आते हैं वो बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें एससी और एसटी की और ओबीसी के लिए जो है वो छूट दिया जाता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 ईयर का छूट दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका जो है बहुत अच्छा दिया जाता है, 56,000 प्लस आपको जो है सैलरी दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपको जो है एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, अगर आप घर आते हैं तो घर के लिए सिक्योरिटी दिया जाता है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं यानी कि जिसमें आपको हाउस मिला है अगर वहाँ पे रहते हैं तो वो भी आपको सिक्योरिटी जो है वो दिया जाता है, हाउस वगैरह जो है वो फ्री रहता है इसमें, ठीक है। अब नंबर वन पे आता है आपका इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीई या बीटेक रहना अनिवार्य है। इसमें ये आपका जो है परसेंटेज की बात करें तो आपके पास जो है 65% रहना चाहिए, और मिनिमम एज की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 to 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है वो छूट दिया जाता है, एससी एसटी के लिए जो है वो ज़्यादा मतलब छूट दी जाती है एज में, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि 80 नंबर का होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट आपको दिया देना पड़ेगा, उसके बाद से हम आपको बता दें जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होता है इसरो में, ठीक है। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा आपको दिया जाता है, 68,000 प्लस आपकी जो है सैलरी रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आपको सैलरी दिया जाता है, यानी कि जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ाती जाएगी। अधिकतम सैलरी की बात करें तो अधिकतम सैलरी आप जो है इसमें 2 लाख बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट बढ़ना अनिवार्य है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।